वेलकम टू किरण्स लर्नर एकेडमी। बच्चों आज हम करेंगे सीरीज यानी श्रृंखला का टॉपिक। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वन डे एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता ही आता है। और सबसे खास बात इसकी ये है कि इसमें लॉजिक लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो आप इसमें टाइम लगा देते हैं। अब इसमें लॉजिक को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि इसमें वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लगा देता है, क्योंकि नंबर सीरीज की बात करें तो बेसिकली सीरीज हमारे पास तीन तरह की होती है। पहली आपके पास आएगी नंबर सीरीज, दूसरी आएगी आपके पास अल्फाबेट सीरीज, और फिर तीसरी आपके पास आएगी रिपीटेड सीरीज। ये तीन तरह की सीरीज हैं। इसमें लॉजिक हम तभी ले पकड़ पाते हैं कि जब हमने इसको खूब सारी प्रैक्टिस करी हो। जबकि एटलीस्ट हम लोग इसके 50 क्वेश्चंस करें तब हमें लॉजिक क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि वही लॉजिक कहीं ना कहीं दोबारा रिपीट होते हैं। नंबर्स में प्लस माइनस का कंसेप्ट होगा, या तो वो आपको प्लस का लगा देगा, माइनस लगा देगा, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड का लगा देगा, या तो क्यूब का लगाएगा या क्यूब में प्लस माइनस कर देगा कुछ, स्क्वायर का लगाएगा या स्क्वायर में प्लस माइनस कुछ कर देगा। तो नंबर सीरीज में अल्फाबेट्स में ए टू जेड के हमें नंबर्स पता होने चाहिए, जो हमने पिछली वीडियो में अपने याद किए थे ए टू जेड के, उसके अकॉर्डिंगली हम अल्फाबेट सीरीज करेंगे। रिपीटेड सीरीज में कुछ ना कुछ रिपीट होगा, अल्फाबेट्स बेसिस सबसे ज्यादा आती है। जैसे उसने लिख दिया एच आई जे, दोबारा दोबारा रिपीट हो रहा होगा कुछ ना कुछ, तो हमें देखना है कैसे कैसे रिपीट हो रहा है। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले नंबर सीरीज के साथ। देखिए अब नंबर सीरीज में दिया हुआ है 1438, 1429, 1417, 1402। तो सबसे पहला काम जब हम इजी अप्रोच करते हैं, हम लोग स्टेप लगाएंगे, स्टेप मेथड में क्या है, फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करेंगे। तो इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, दैट कम्स आउट टू बी 9। इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, आपका आ जाता है 12 का डिफरेंस। फिर इसमें और इसमें आपका डिफरेंस कितने का आएगा, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगी तो वो आ जाता है आपके पास 15। तो अब देखिए 9 में मैंने प्लस 3 किया, 12 में मैंने प्लस 3 किया तो 15 आया, तो इसमें मैं प्लस 3 करूंगी तो 18 आ गया, और इसमें 18 प्लस करेंगे तो आ जाएगा, सॉरी माइनस करना है इसमें से 18, तो आंसर आपके, क्योंकि डिक्रीजिंग सीरीज है 38 29, तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे 18, तो आपके पास आएगा 1384, तो आपका आंसर आ जाता है 1384। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके पास दिया हुआ है 41295, 1196। अब देखिए 4/12 यानी 4 दिसंबर से 1/1 तक कितने दिन होंगे। देखिए अगर मैं इसमें से देखूं तो हमारे पास दिसंबर के आ जाएंगे 27 डेज और प्लस 1 28, यानी 28 का गैप है। अब इसमें से इसको माइनस करो, देखो मंथ तो सेम है, इसमें भी 28 डेज का है, फिर इसमें और इसमें देखें तो 2 दिन इसके और 28, फिर 28 का आ गया, तो यानी इसमें भी मुझे प्लस 28 करना है। तो 26 के बाद मुझे सेकेंड महीने में चाहिए, तो 2 दिन तो 28 तक आ गए, यानी फिर से 26 3 96, 26 3 96 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपके पास है 7714, 7916 और फिर है 8109। तो अब हम एक काम करते हैं, इनमें और इनमें डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस आएगा तो हमारे पास कितना आएगा इसका डिफरेंस, 302। अब इसका और इसका डिफरेंस करूं मैं तो यहां पर आपके पास डिफरेंस आएगा कुछ 293। अब डिफरेंस में तो कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा है, हम एक काम करते हैं उसके सेकेंड केस में हम फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट और थर्ड में क्या डिफरेंस है हमारे पास, 395 का। तो इसमें और इसमें भी 395 का डिफरेंस होना चाहिए, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर मैं 796 में 7196 में ऐड करूं तो ये आपके पास आएगा 8311। तो आपके पास आंसर आ गया 8311 ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 3563, 99143। डिफरेंस देखा जाए तो ये है 12 का, ये है आपके पास 36 का, ये डिफरेंस देखें तो हमारे पास आता है 30
सॉरी 44 का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो मैं ले लेती हूँ 8 का, करेक्ट। तो इसमें अगर मैं 8 को ऐड करूँ तो इट विल गिव यू 20, 20 में यहाँ पर आएगा 20, 20 में मैं फिर से 8 ऐड करूँ तो इट विल कम 28, 28 में ऐड करेंगे तो 36, ठीक है। तो यानी मुझे डिफरेंस चाहिए, अब जो नंबर चाहिए वो आपके पास 20 इसमें ऐड करना पड़ेगा, 20 इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 35, ऑप्शन बन गया 35। अब 35 से 63 का डिफरेंस आ गया 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 124, 1248। अब इसमें देखिए आप, 1 × 2 किया 2, 2 × 2 4, 4 × 2 8, तो 8 × 2 16। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 7, 22, 37, 50, 67 एंड 82। अब मैं डिफरेंस देखूं तो हमारे पास इसका डिफरेंस है 15, इन दोनों का डिफरेंस करूं 15, इन दोनों का डिफरेंस किया जाए तो भी 15, तो यानी मेरे को हर किसी में, इसमें भी मुझे 15 ऐड करना है और आंसर देना है। अगर मैं इसमें ऐड करूं 15, 37 प्लस 15 विल गिव यू 52। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1, 2, 3, 14, देन आपका आता है 5, 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1, 2, 3, 14, 5, 7, 34, 7, एंड देन हमारे को इसमें दो ब्लैंक्स दिए गए हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या है देखिए, 1 से 3 प्लस 2, 3 से 5 प्लस 2, देन 5 से 7 प्लस 2 और 7 से प्लस 2, तो यहाँ पर आंसर आएगा 9। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। अब 2 से अगर 14 देखें प्लस 12, इसमें देखूं प्लस 20, ठीक है, 2, 14, 34, इसमें आता था डिफरेंस आपके पास 12 का, इसमें आता है आपके पास 20 का, ठीक है, तो अब इसमें डिफरेंस आना चाहिए 28 का, तो 34 प्लस 28 विल गिव यू अ 62, तो 62 एंड 9 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है 2, 65, 7, 59 एंड देन 12, 53 एंड देन अ डबल डैश। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम हमेशा फर्स्ट और थर्ड को मैच करेंगे, तो देखिए प्लस 5, इसमें भी प्लस 5 है, तो इसमें मैं अगर प्लस 5 करूंगी तो इट विल गिव यू अ 17, तो देखिए सेकंड या फिर हमारे पास थर्ड ऑप्शन है। अब इसमें और इसमें डिफरेंस देखें तो हमारे पास डिफरेंस आ जाता है 6 का, इसमें और इसमें डिफरेंस देखें तो 6 का, तो यानी अब भी मुझे -6 करना पड़ेगा, अगर इसमें से मैं -6 करूंगी दैट विल गिव यू 47, तो ऑप्शन हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब आपको दिया गया है 4 जनवरी से 8 फरवरी, फिर 16 मार्च और 28 अप्रैल और 44 जून, तो देखिए डिफरेंस देख लेते हैं, 4 जनवरी से 8 फरवरी का कितने का डिफरेंस है, तो देखिए इसमें आ जाता है प्लस 4 का, फिर यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है प्लस 8 का, यहाँ पर आपके पास डिफरेंस है प्लस 12 का, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस देखें तो आपके पास आ रहा है 16, तो यानी अब मुझे जो डिफरेंस ऐड करना है इसका और इसका देखें 4, 4, 4 एंड देन अगेन 4, तो यानी मुझे अब 20 ऐड करना है, 20 ऐड किया तो आंसर आ जाएगा 64। देखिए नेक्स्ट है आपके पास 2, 10, 26 एंड 50, तो अगर मैं इनमें से डिफरेंस देखीजिए प्लस 8, इन दोनों का डिफरेंस देखूं प्लस 16, इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो 24, ठीक है ना, तो इसमें देखिए डिफरेंस 8 और 6 में, 16 में 8 का, 16 एंड 8 इसमें भी 8 का, तो यानी अब मुझे फिर प्लस 8 करना है, प्लस 8 करूंगी तो आ गया 32 और 50 में 32 ऐड करेंगे दैट विल गिव यू एन 82। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 110, 99, 86, 54 एंड 35, तो इस तरह के क्वेश्चन में देखिए अब डिफरेंस देखते हैं, यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास -11 का डिफरेंस, यहां से यहां तक का डिफरेंस आया आपके पास -13, अब इसका और इसका हमें नहीं मालूम, यहां से यहां दो चीजें मिसिंग है,
देन अगर मैं डिफरेंस देखूं तो मेरे पास डिफरेंस आएगा आपके पास 19 -19, तो 13। अब तो यहाँ अगर मैं -15 लिखूं और यहाँ -17 लिखूं तो देखिए हमारे पास दो दो का गैप आ रहा है, दैट विल वर्क। तो अगर मैं 86 में से 15 को माइनस करती हूँ तो आंसर आपके पास आएगा 71। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपका। 0, 3, 8, 15, 35 एंड 48। तो अब इसमें देखिए अगर हम डिफरेंस देखें, इट विल गिव यू +3, यहाँ पर देखूँ +5, यहाँ पर देखें +7, यहाँ से यहाँ नहीं पता, यहाँ से यहाँ नहीं पता, लेकिन यहाँ से यहाँ पता है, ये आपके पास आएगा +13। तो इसको कर सकते हैं +9, +11, क्योंकि डिफरेंस सब में सेम आ रहा है, तो 15 + 9 किया जाएगा तो आंसर आएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15, 16, 20 एंड 29। 15 से 16 यानी +1, 16 से 20 +4, इसमें प्लस किया तो ये आपके पास आ गया +9। तब देखिए इसमें कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है, तो हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो +3, इन दोनों का डिफरेंस देखूं +5। तो यानी अब जो मुझे निकालना है उसमें +7, तो 9 + 7 विल 16, और 29 में अगर मैं 16 को ऐड करूंगी तो आपके पास आएगा 45। तो ऑप्शन आपके पास हो गया 45। नेक्स्ट देखते हैं 1, 8, 27, 64। अगर इसको देखें तो हमारे पास देखिए सबके क्यूब हैं, क्यूब और स्क्वायर में हम डायरेक्टली देख लेते हैं। तो क्यूब के लिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, अब यहाँ 5 का क्यूब, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2125, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 66, 56, 48, नेक्स्ट 38, 36। तो अब इन दोनों में मैं डिफरेंस देखूं तो -10 का है, इन दोनों में मैं डिफरेंस देखूं -8 का है, यहाँ का डिफरेंस, यहाँ का डिफरेंस, वी आर नॉट अवेयर, यहाँ का डिफरेंस आ रहा है -2 का। तो देखिए यहाँ पर -6, -4, अपने -2 हो रहा है ज्यादा। तो 48 में से अगर मैं 6 को माइनस करूंगी तो आंसर आ जाएगा आपके पास 42, और 42 में से माइनस किया जाएगा तो आंसर आ जाएगा 38। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, 192, 375, 1029। तो अब मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं अपना, तो इन दोनों का डिफरेंस आपके पास आएगा 81, बिल्कुल डबल है। देन इन दोनों का डिफरेंस किया जाए तो आपके पास आएगा 263। इन दोनों का डिफरेंस हमें नहीं मालूम, इन दोनों का डिफरेंस नहीं मालूम। तो अब इन दोनों में देखिए क्या डिफरेंस आ रहा है, सॉरी 182 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये लॉजिक कुछ नहीं बन रहा है। तो देखिए अगर मैं ये कह सकती हूँ आपको, इसमें 9 का स्क्वायर -0 क्या आ जाएगा आपके पास 81। नेक्स्ट में देखिए 14 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 196 - 4, 192 आ रहा है। 375 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, करेक्ट। तो अब देखिए इसमें एडिशन कितने का आ रहा है, यहाँ 5 का एडिशन हो रहा है, यहाँ 6 का हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम मैं 7 का एडिशन करूँ तो कितना आएगा 27 का स्क्वायर, और यहाँ पर अगर मैं करूँ दिस इज 2, 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। अगर मैं 4 ऐड करूँ तो आंसर आ जाएगा 9 का स्क्वायर। तो 27 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर इज 648। अब इसमें नेक्स्ट देखिए 35 का स्क्वायर करा जाए, -4 अगर मैं ऐड करती हूँ तो 13 का स्क्वायर करूँ तो वो आंसर आएगा आपका 1029। तो आपका ऑप्शन हो गया थर्ड। नेक्स्ट देखिए 5, 11, 23, 47, 95। तो इसमें देखिए डिफरेंस आया +6 का, इसमें डिफरेंस आया +12 का, इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है आपका 24 का, इसमें कितने का आ रहा है आपका डिफरेंस 48 का। तो देखिए इंटू टू, तो अब इसको इंटू टू करा जाएगा तो आपके पास आएगा 96, और 95 और 96 को अगर मैं ऐड करूं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 191। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। 15, 17, 22, 27, 29। तो देखिए इसमें डिफरेंस देखिए +2,
इसमें देखिए +3 +2 देन +5 देन +2 फिर नहीं मालूम। देखिए तो एक एक जो है वो तो +2 है और यहाँ पर +3 +5 तो यहाँ पर आना चाहिए +7 फिर से +2 तो 29 में अगर मैं 7 प्लस करूंगी दैट विल गिव यू 36 और 36 में मैं +2 करूँ दैट विल गिव यू 38 तो आंसर विल बी 36 एंड 38 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19। 4, 5, 6, 9, 8, 13 एंड 10 तो अब इसमें मैं डिफरेंस देखूँ तो डिफरेंस है +1, इसमें डिफरेंस देखिए +2, इसमें डिफरेंस देखिए +3 -1 +5 तो इसमें कुछ सीक्वेंस नहीं बन रहा है कि बीच में -1 आ गया। तो हम एक काम करते हैं फर्स्ट से थर्ड पे कंपैरिजन करते हैं +2 6 से 8 +2 +2 5 से 9 +4 9 से 13 +4 तो यानी 13 में मैं +4 करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 17 तो आपका ऑप्शन हो गया फोर्थ। नेक्स्ट देखिए 6, 12, 20 एंड 30 तो अब इसमें देखिए डिफरेंस कितने का है +6 +8 +10 अब देखिए डिफरेंस कितने का आएगा +12 तो आंसर विल बी 42। तो नेक्स्ट अल्फाबेटिक सीरीज में देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या करेंगे फर्स्ट लेटर से फर्स्ट लेटर को कंबाइन करेंगे। तो देखिए सी का नंबर होता है 3, एफ का होता है 6, आई का होता है 9 तो कितने का डिफरेंस हो रहा है 3 3 का यानी अब आएगा 12 वाला। 12 लेटर पे जो आता है हमारे पास आता है एल। अब ए से डी जाऊं तो ए का नंबर है 1, ये है 4 तो फिर से 3 का, इसका है 7 यानी फिर से 3 का तो 7 प्लस 3 विल गिव यू 10। 10 में अगर मैं नंबर देखूं तो मेरे पास आता है जे तो एल और जे वाला ऑप्शन आ गया मेरे पास सी। लास्ट नेक्स्ट नंबर है 1 3, एफ का होता है 6, इसका होता है 10 तो अब डिफरेंस देखिए +2 +3 +4 तो यानी अब मुझे लिखना है +4 देन +5 वाला यानी 15 नंबर और फिर +6 वाला यानी 21 नंबर। 15th पे हमारा अल्फाबेट कौन सा आता है ओ और 21 पे आता है हमारे पास यू तो ऑप्शन हो गया फर्स्ट वाला। नेक्स्ट देखिए ए का जो नंबर है दैट इज 1, डी का है 4 और जी का है 7 तो देखिए +3 +3 तो यानी अब 10 वाला नंबर आएगा। 10th पे आता है हमारे पास जे, डी का नंबर होता है 4, जी का होता है 7, जे का होता है 10 तो देखिए +3 +3 तो यानी इसमें +3 करूंगी तो 13, 13 पे नंबर आता है मेरे पास एम। देन आपके पास हो गया एच का होता है 8, के का होता है 11 और एन का होता है 14 तो फिर ++3 14 + 3 17, 17 पे आपके पास आता है क्यू तो जे एम क्यू आपका आंसर हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे बी एम आर जी डी एल टी एफ तो देखिए बी का नंबर है 1, डी का है सॉरी बी का है 2, डी का है 4, एफ का हो गया 6 और इसका हो गया 8 यानी अब आने वाला है 10, 10 पे आता है जे। एम का नंबर होता है 13, एल का होता है 12 11 10 तो अब 9 वाला, 9 का नंबर हमारा 9 पे होता है आई तो जे आई। नेक्स्ट हमारे पास होता है आर का है 18, टी का है 20, वी का क्या है 21 सॉरी 22 देन ये है 24 यानी अब आएगा 26 यानी जेड। तो नेक्स्ट में देखिएगा 8 6 5 सॉरी 7 6 5 4 तो 3 पे जो आएगा वो आएगा सी ऑप्शन बन जाता है आपका फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए जेड वाई एक्स देखिए नेक्स्ट फर्स्ट सीरीज है जेड डब्ल्यू टी, जेड का नंबर है 26, डब्ल्यू का होता है 20, जेड का होता है 23 सॉरी डब्ल्यू का और टी का होता है 20 तो देखिए -3 तो टी का अगर मैं -3 करूंगी तो दैट विल गिव यू 17, 17 पे हमारे पास आता है क्यू तो आंसर विल बी फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहला आपके पास ओ पी क्यू आर तो देखिए ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर तो यानी अब आना चाहिए मेरे पास एस। नेक्स्ट देखूं टी यू वी डब्ल्यू तो अब आएगा एक्स, फिर ई एफ जी एच आई तो
तो एस एक्स आई। नेक्स्ट है आपके पास बी ई आई एन, बी का है 2, 5, आई का होता है 9, देन 14। तो देखिए इसमें कितना प्लस हो रहा है, प्लस का 3, इसमें प्लस हो रहा है 4, इसमें हो रहा है 5, और तो अब कितना होगा 6, यानी 20, 20 पे मेरे पास आता है टी, तो ऑप्शन है 3। नेक्स्ट है हमारे पास ए का नंबर है ए डी सी एफ, तो देखिए ए का नंबर हो गया 1, डी के लिए हो गया 4, सी के लिए होता है 3, एफ के लिए होता है 6, तो मैं फर्स्ट से थर्ड को देखूं प्लस 2, यहां से देखूं प्लस 2, तो अब सी में अगर मैं प्लस 2 करूं तो मेरे पास आंसर आएगा 5, 5 पे आता है ई, ठीक है, तो आंसर फर्स्ट विल बी ई, एफ के बाद ई आ गया, देन आपके पास है एच जी और देन अ लेफ्ट मार्क एंड देन आई। तो देखिए सी के बाद मैं एड ऑन करूंगी तो मैं जी पे देखूंगी, जी का नंबर क्या है 7, तो 5 प्लस 2, आई प्लस 2, तो देखिए इसमें भी प्लस 2 करें ना, एफ में प्लस 2 किया एच, एच का नंबर होता है 8, इसमें प्लस 2 किया तो इट विल गिव यू 10, 10 का मतलब होता है जे, तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर ई एंड देन इज योर जे, आंसर हो गया 4th। नेक्स्ट आपके पास है जेड एक्स एन एफ, जेड का नंबर है 26, एक्स का नंबर होता है 24, एन का है 14 एंड देन एफ का है आपके पास 6, इसमें डिफरेंस देखिए -2, इसमें डिफरेंस देखिए तो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है -8, अब यहां से यहां, यहां का यहां का डिफरेंस नहीं पता, तो इसको -2 -6 किया जा सकता है, तो अगर मैं 24 में 4 माइनस करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 20, 20 पे यानी टी, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए बी पी देन डब्लू, बी का नंबर है 2, पी का है 16, डब्लू का है 23, देन इसमें प्लस 7 आ रहा है, तो अगर हम इसमें भी प्लस 7 करें तो आंसर विल बी 9, और उसमें प्लस 7 करूं तो आंसर विल बी 16, तो 9th पे क्या नंबर आता है आई, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल इज आई, देन आप देखिए बी ब्लैंक देन आर एंड देन वाई, डी का नंबर है आपके पास 4, आर का नंबर है मेरे पास 18, देन वाई इज 25, तो इसमें देखिए यहां भी प्लस 7 है, और 4 में अगर मैं प्लस 7 करूं तो दैट विल गिव यू 11, 11 में प्लस 7 करूं तो 18 आ जाएगा, 11 पे जो नंबर आता है वो आता है के, तो सेकेंड ऑप्शन हो गया के, आई के ऑप्शन बन जाता है 3rd। नेक्स्ट देखते हैं ए जेड, ए के बाद आपके पास सी देन ई, तो ए प्लस 2 सी प्लस 2, तो ई में अगर मैं प्लस 2 करूंगी तो आंसर आएगा 7, 7 का मतलब हो गया जी, देन उसके बाद हमारे को दिया गया जेड एक्स वी, जेड का नंबर 26, एक्स का 24, वी का 22, यानी -2 -2 और -2 20, तो आ गया टी, तो जी टी। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं बी डी, तो देखिए इसमें आ रहा है प्लस 2, देन एफ प्लस 2, इसमें भी प्लस 2 किया तो आंसर आएगा एच, तो जी टी एच एस ऑप्शन आ गया आपके पास 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सी ई जी आई, सी का नंबर है 3rd, ई का है 5, जी का है 7, आई का है 9, देखिए +2 +2 +2, तो अगर मैं 9 में प्लस 2 करूंगी दैट विल गिव यू 11, दैट इज मींस के, फिर उसके बाद एफ आई एल ओ, एफ का नंबर होता है 6, आई का 9, एल का 12 एंड देन ओ का 15, तो अब इसमें प्लस 3 हो रहा है सब में, 9 प्लस 3 12 प्लस 3, तो अब इसमें भी मैं प्लस 3 करूंगी तो क्या आ जाएगा 18, और 18 पे नंबर होता है आर, यानी के आर। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है आपके पास एल के जे आई, तो देखिए 12 11 10 9, यानी अब 8, 8 पे क्या आता है एच, तो आपके पास आएगा के आर एच, दैट इज ऑप्शन नंबर 1st। नेक्स्ट देखते हैं ए ई आई एंड देन क्यू, दिस इज ऑप्शन, ये आता है 1st पे, इसका 5th पोजिशन, दिस इज 9, तो इसमें प्लस 4
प्लस फोर, तो इसमें भी मैं अगर प्लस फोर करूं तो दैट विल गिव यू 13. अब 13 में प्लस फोर करूं तो 17, 17 में क्यू आ जाता है, तो 13 पे मेरा ऑप्शन होगा एम, ऑप्शन इज टू. नेक्स्ट आपके पास है ई जी आई, 5, 7, 9, प्लस टू प्लस टू प्लस टू, तो 11 पे आपका आता है के. एफ एच जे, एफ का है 7, 8 एंड देन 10, 6, 8 एंड 10. देखिए तो प्लस टू प्लस टू, इसमें भी प्लस टू किया तो 12, 12 पे आपका आता है एल, करेक्ट. एंड देन हमारे पास है ए सी ई, तो 1, 3, 5, फिर प्लस टू हो रहा है तो 7, 7 पे क्या नंबर आता है हमारे पास जी, तो आ गया के एल एन जी, ऑप्शन नंबर टू. नेक्स्ट देखें ए बी सी डी, तो ऑप्शन विल बी डी पहला ऑप्शन, देन सी डी ई, देन एफ, फिर ई एफ जी, तो एच, तो ऑप्शन बन गया डी एफ एंड एच, ऑप्शन नंबर टू. नेक्स्ट देखिए पी के बाद आर आ रहा है, फिर टी देन वी. पी का नंबर होता है 16, आर का होता है 18, 20, 22. तो देखिए प्लस टू प्लस टू, इधर भी प्लस टू है, यहाँ भी अगर मैं प्लस टू करूँ दैट विल गिव यू 24. 24 पे हमारे पास नंबर आता है एक्स का. उसके बाद है ओ क्यू एस यू, ओ का 15, क्यू का 17, एस का 19 और यू का 21. तो देखिए प्लस टू 17 प्लस टू 19 प्लस टू, तो 21 में अगर प्लस टू किया जाएगा तो 23, 23 का मतलब होता है W, तो X W. नेक्स्ट देखते हैं N P R T, N का नंबर 14, P का 16, 18, 20. तो इसमें प्लस टू करूंगी तो विल गिव यू 22, 22 पे आता है V, तो ऑप्शन बन गया X W एंड V, ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट आपके पास है Z का नंबर क्या है 26, X का क्या होता है 24, V का 22, 20, 18. तो देखिए क्या आ रहा है, माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू, तो इसमें भी माइनस टू किया, 16, 16 पे होता है P. नेक्स्ट 1, 3, 5 है ना, उसके बाद आ जाता है 26, उसके बाद आ जाता है 24, 22, फिर आपके पास आ रहा है 7, फिर आ रहा है 9, 11, 20 एंड देन 18 और 16. तो देखिए पहले तीन इंक्रीजिंग में है, फिर डिक्रीजिंग में है ना, फिर पीछे से आ रहे हैं, फिर आ गए 5 के बाद प्लस 7, प्लस 2 7 आ गया, और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी तो यहाँ पर आएगा, तो 26, 24, 22, 20, 18. तो ये तीनों के साथ का जो पेयर है वो चल रहा है इन तीनों के साथ, और इसके साथ यहाँ पर, तो 13 आ जाएगा 11 के बाद, 11 में 13 नंबर पे कौन आता है एम, तो ऑप्शन हो गया एम. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जिसमें एक वर्ण लुप्त है, अब हमें ये आ गया सिंगल अल्फाबेट्स पे. नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देखिए, तो ये क्या है 12, देन एक एक छोड़ देते हैं तो दिस इज 13, एक छोड़ दिया 14, 15. अब देखिए ये है 3, दिस इज 2, दिस इज 1. तो 1 से पहले जो आएगा वो होता है Z, यानी ए से पहले क्या आता है Z, 26 नंबर पे अल्फाबेट्स में. नेक्स्ट देखिए सी डी ई, यानी अब आना चाहिए F वाला, तो F का एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट जो है हमारे पास रिपीटेड सीरीज है, रिपीटेड सीरीज को हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड देखना है कैसे कैसे रिपीट हो रहा है. तो जैसे हमारे पास 16 लेटर्स हैं, तो 16 लेटर्स 2 में अगर मैंने डिवाइड किया था तो जे इसमें नहीं आ रहा होगा, और कोई भी ऑप्शन में जे नहीं है, तो हम इसका 4 का पेयर बना लेते हैं. तो अगर मैं इसका 4 का पेयर बनाऊं तो ऐसे बनेगा, तो देखिए एच जे एच आई जे एच, तो यानी यहाँ पर आई आना चाहिए, यहाँ एच आना चाहिए, एच आई जे एच एच आई जे एच एच आई जे एच, तो ऑप्शन बन गया आई एच जे आई, तो ऑप्शन हो गया फर्स्ट. नेक्स्ट देखिए हमारे पास कितने लेटर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. अब हम इसको कितने कितने पेयर्स में अगर मैं डिवाइड करूं,
तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं आपके फोर फोर पेयर्स में, फिर से क्योंकि 16 है, तो अगर मैं इसको फोर फोर में डिवाइड करूँ तो इस तरीके से कुछ डिवाइड होगा। तो अब देखिए, फर्स्ट लेटर तो बी आ रहा है और फोर्थ लेटर बी आ रहा है, तो बी ए ए बी, बी ए ए बी, बी ए बी, तो ऑप्शन आ गया बी ए ए ए बी, बी बी, बी बी ए ए बी, तो ऑप्शन हो गया आपके पास थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। आप इसमें काउंट करूं मैं तो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 को मैं 3 में भी ब्रेक कर सकती हूँ और 4 में भी ब्रेक कर सकती हूँ। हमने इसको है 3 3 में ब्रेक किया, 3 3 में ब्रेक करने के बाद मैं देख रही हूँ फर्स्ट और लास्ट वाला मेरा सेम बन रहा है, एल और एल, तो बीच में यानी एम और इधर एन आना चाहिए, ये और ये बिल्कुल सेम बन रहा है, यानी इसमें एम आना चाहिए, इसमें एन आना चाहिए, तो आंसर बन गया एम एन एन एम, ऑप्शन विल बी 2। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारे पास अगर मैं काउंटिंग करूँ उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यानी मैं इसको 4 4 में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग इसको, 4 4 में अगर डिवाइड करा जाए तो कुछ इस तरह का बनेगा। तो अब देखिए इसमें रिपीटिशन क्या हो रहा है, ए बी बी एन, ए बी एन, ए बी बी एन, ए और एन, तो ऑप्शन क्या बन गया, बी एन बी बी ए एन, तो ऑप्शन हो गया सेकेंड। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास बी, काउंटिंग करते हैं सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 है तो यानी मैं 3 भी बना सकती हूँ और 4 भी बना सकती हूँ, तो अगर मैं 3 3 का बनाऊं तो कुछ इस तरीके का बनेगा, बी ए बी, नहीं बात बन रही है क्योंकि फर्स्ट और लास्ट बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं। अब इसको अगर हम देखें तो मैं ऐसे भर सकती हूँ, फर्स्ट और इसको मैच कर लेते हैं, सेकंड और फोर्थ को मैच कर लेते हैं, तो इसमें बनेगा ए बी और इसमें बनेगा बी ए बी, करेक्ट, तो ऑप्शन हो गया ए बी ए बी, तो ऑप्शन बन जाता है थर्ड। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, इसमें आप काउंटिंग करें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 12 1 2 3 4, तो इसमें हम अगर पेयर काउंटिंग करूं तो मेरे पास जो बन रहा है वो आपके पास बनेगा 3 3 का पेयर, तो मैं 3 3 का पेयर बना लेती हूँ। तो देखिए ये वाला और ये वाला कुछ मैच करता हुआ दिख रहा है, तो सी ए बी सी ए बी सी ए बी, अब बी ए सी बी ए सी बी ए सी, तो ये तीनों आपस में मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन बन गया ए सी बी सी बी, ए सी बी सी बी, ऑप्शन विल बी थर्ड। क्वेश्चन नंबर 47, अब देखिए इसमें कितने डिवीजन है, हम लोग 12 नंबर हैं, 12 को हम चार चार में भाग कर लेंगे, सॉरी ये यहां पर आएगा, तो देखिए ए ए बी सी ए ए बी सी ए ए बी सी, तो ए बी बी सी, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी है तो हम चार चार का भाग करके देख लेते हैं। तो देखिए इसमें कोई फर्स्ट नहीं बन रहा है, तो 12 को हम 3 में भी ब्रेक कर सकते हैं, तो हम इसको 3 में ब्रेक कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट और थर्ड मैच हो रहा है, ई ई एफ जी ई एफ जी, और ये वाला मैच होगा, तो इसमें और इसमें बिल्कुल सेम लेटर्स आएंगे, तो ऑप्शन देख लेते हैं हमारा एफ और ई थर्ड पे कौन सा मैच कर रहा है। तो देखिए ये वाला मैच कर रहा है, तो यानी इसमें जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब इसमें देखेंगे 3 5 6 7 8 9 10 11 12, तो फिर से इसमें अगर मैं देखूं तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 3 का भी बना सकती हूँ और 4 का बना, 3 3 का पैर बनाते हैं, तो कुछ इस तरह का बनेगा, और मैं अगर आपको मैच करूँ फर्स्ट सेकेंड और लास्ट को, तो यहाँ आएगा ए और यहाँ पर सी, यानी फर्स्ट में ए आना चाहिए, सेकेंड में सी आना चाहिए, तो अब इन दोनों को सेम बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास सेम लेटर्स होने चाहिए, तो सपोज मैंने डाल देती हूँ सी, तो देखिए ऑप्शन क्या बनते हैं, सी ए डबल सी, तो ऑप्शन हो गया सेकेंड। नेक्स्ट में देखिए हमारे पास 3 3 के पेयर्स बनाए, तो हमारे पास 3 3 के पेयर्स कुछ इस तरीके के बनेंगे, तो अब ये देखिए ये वाला मैच कर रहा है, तो हम इसको ए बी बी यानी ए बी,
अब इन दोनों में सेम लेटर्स आएंगे तो इसको बना सकते हैं ए बी बी। तो देखिए सब रिपीट सेम बन गए, तो ऑप्शन आ जाएगा बी बी ए बी बी, तो ऑप्शन विल बी थर्ड। तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ सीरीज। इसमें हमने तीन तरह की सीरीज को कवर किया है, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज एंड योर रिपीटेड सीरीज। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो हमें सिर्फ और सिर्फ लॉजिक पे बेस्ड हैं।